अगर आपके पास भी मेरी तरह कोई इस तरह का कोई डेड सा लैपटॉप पड़ा हुआ है जिसके अंदर आप जैसे इसकी 4GB रैम है और इसमें मैंने विंडोज 10 इंस्टॉल की थी लेकिन वो काम नहीं की और अभी डेड हो चुका है क्योंकि इसके अंदर 4GB रैम है और वो सपोर्टेड नहीं है, तो अगर आपके पास भी कोई लैपटॉप ऐसे डेड पड़ा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखिए कि जब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने डेड सिस्टम में गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें बहुत अच्छी सर्फिंग कर सकते हैं और एक ही क्लिक पे हर चीज ओपन होगी। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको इंस्टॉल करके फिर उसका आउटपुट भी दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को आखिर तक यही देखिएगा। इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कोई भी स्टेप अगर आप मिस कर देंगे तो वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्रोमबुक रिकवरी यूटिलिटी, ये वाली आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें, ऐड टू क्रोम कर। क्रोमबुक रिकवरी यूटिलिटी आपने इंस्टॉल कर लेनी है, जैसे अभी मैंने इंस्टॉल कर ली है, ठीक है। आप उसको पिन कर लें, आपका पिन करने के बाद वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। आपने इसको क्लिक करना है और इसको क्लिक करने के बाद आपने ये देखना है कि आपके पास 8GB की USB जो सी है वो इंस्टॉल लगी होनी चाहिए आपके सिस्टम में, ठीक है। आप नेक्स्ट करेंगे, गेट स्टार्टेड पे करेंगे। अब यहाँ से भी आप मॉडल सेलेक्ट करें, सब हमने बस सेलेक्ट करना है, क्रोमबुक बस फ्लैक्स हो गया इधर, ठीक है। कंटिन्यू करें, कंटिन्यू के बाद आपने इधर अपनी USB सेलेक्ट करनी जो कि मैंने भी लगाई हुई है, मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट किया और आपको चाहिए 7.5 GB की USB, ठीक है। ये अब वो लैपटॉप है, अभी आप देख रहे हैं कितना स्लो है, इसको मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूँ तो बहुत मुश्किल से ये रिफ्रेश हो रहा है और मैंने इसको मेन कुछ भी नहीं इंस्टॉल किया हुआ। और मैं इसको भी आपको स्पेक्स दिखा देता हूँ, ये देखें, ये इसका प्रोसेसर है और इसमें जो सॉकेट है वो 1 है कोर 2 को ड्यूअल कोर है ये, और L2 कैशे 2MB कैशे में है। और इसके बाद अगर मेमोरी की बात करें तो 4GB रैम है और DDR2 में ही है, ठीक है, 667, और स्लॉट इसकी दोनों यूटिलाइज हैं, ठीक है। और इसके अलावा हार्ड डिस्क जो सी है वो इधर लगी हुई है 250 ऑलमोस्ट, और ये बात है। अब ये लैपटॉप बहुत स्लो है, विंडोज़ 10 के लिए बहुत स्लो लैपटॉप है, तो इसीलिए मैं इसमें जो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल करके कम से कम इसे पेन ड्राइव थी मैंने बूटेबल बना ली है, अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना। अब जैसे ही आपका सिस्टम ऑन होगा F12 आप उसको दबा दें, ये अभी आपको बूट मेन्यू में ले आया है, बूट मेन्यू में ला के मैंने USB से बूट करना है तो मैं इसको बूट USB से कर रहा हूँ। देखें, यूनी गेट स्टार्टेड करें, ठीक है। इंस्टॉल OS फ्लेक्स आपके सामने ऐसे आ जाएगा, इंस्टॉल करके आप नेक्स्ट करेंगे, ये आपको सारी बता रहा है बिफोर बैकअप। अगर आपके पास कोई बैकअप आपका है आप दूसरी ड्राइव में मूव कर लें उसको, इरेज हार्ड ड्राइव। वो अब इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है, अब इंस्टॉल हो चुका है, हार्ड कर लें अभी अपना। अब मेरा जो नेटवर्क है उसको मैं कनेक्ट करूँगा, अब मैंने इधर अपने लिए यूज़ करना है, मैं इसको नेक्स्ट कर। अब USB मैंने बाहर निकाली हुई है, आप देख लें कि USB बाहर है मेरी। जो अगर जीमेल अकाउंट्स के साथ सिंक करना है आप वो यहाँ से करके आप कर सकते हैं, ये मैं बाद में करूंगा। अब ये यहाँ पे हो चुका है, मैं इसको अगर आप सिंक करना है आपने अपनी डिवाइस के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह बुक मार्क्स वगैरह, नेक्स्ट एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। अब ये यहाँ पे गूगल असिस्टेंस और ऐप और सारी सेटिंग्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, आई एग्री कर दें। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, स्मार्ट लॉक टर्न ऑन, अगर आपने इसको ऑफ करना है आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, ये आपकी सारी सेटिंग्स हैं। यूज़ क्रोमबुक एज अ गेस्ट, यहाँ से आपने ब्राउज़र अपना ओपन करना है, सपोज अगर क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे आपकी शेल्फ आएगी, आपने चीज़ें वगैरह सेट अप वॉलपेपर, यहाँ से आप वॉलपेपर्स चूज कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। ये वॉलपेपर हो गया आपका, ये आपकी सारी फाइल है, ठीक है। ये डाउनलोड में आपकी चीज़ें जो होती हैं, गूगल के मैसेजेस हैं, इसको आप सिंक भी कर सकते हैं अपने फ़ोन के साथ, आप वो भी कर सकते हैं, अपने मैसेजेस आपके जो फ़ोन के होंगे वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। यूट्यूब है वो यहाँ पे आ जाएगी, जो क्रोम है वो देखें वो एक क्लिक पे ओपन हो रहा है, ये सारे मेरे बुक मार्क्स यहाँ पे इसने इम्पोर्ट कर ली है, सारी जो मेरी सेटिंग्स है वो यहाँ पे आ गई हैं। बड़ा ही हल्का सा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, इजी से आप कर सकते हैं, कुछ चीज़ सर्च करनी है तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, तो राइट पे करना है तो ये राइट पे हो जाएगा, ठीक है, आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे नजर आएंगी। तो ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे कोई 700 के करीब सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और 1000 कम्प्लीट करने के लिए आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना और सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।